राम कपूर छोटे पर्दे का बड़ा नाम है। राम ने साल 1998 में सीरियल हिना के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। वो टीवी के सबसे मशहूर एक्टर्स में शुमार हैं। 12 साल बाद साल 2010 में उन्होंने फिल्म उड़ान में अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से कमाल किया था। इस फिल्म में उन्होंने क्रूर रोनित रॉय के छोटे भाई के संवेदनशील किरदार को निभाया था और फिल्म को विक्रमादित्य मोटवानी ने डायरेक्ट किया था। लेकिन बैड लक ये रहा कि इस फिल्म को देखने ज्यादा लोग थिएटर में नहीं गए। हालांकि अब ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक में शुमार हो चुकी है। उन्होंने बीते दो दशकों में कई सीरियल्स में काम किया है और हाल ही में उन्होंने अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों को हैरान किया था। राम के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कई फैंस इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि राम का अगला प्रोजेक्ट क्या होने जा रहा है, लेकिन वे इस समय रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने स्टारडम पर बात की थी। उन्होंने कहा, मैं कोई सलमान खान या शाहरुख खान नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका हूं जहां पूरे देश में लोग मुझे जानते हैं। मेरी एक लॉयल फैन फॉलोइंग है, चाहे मैं टीवी करूं, फिल्में करूं, वेब करूं या थिएटर करूं। मुझे लगता है कि मेरी लोकप्रियता एक समान ही बनी रहती है, कॉमन रहती है। मुझे मेरे फैंस राम कपूर के नाम से ही याद रखते हैं। नेक्स्ट नाइन लाइव से ऋतिक की रिपोर्ट।